हेलो सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग योर इंग्लिश क्लास टुडे 13 अगस्त 2020। एंड टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 3rd ऑफ इंग्लिश, पेज नंबर 11। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रॉग्स इन द फाउंटेन। फाउंटेन होता है फवारा, फवारा जो स्प्रिंकलर्स जो होते हैं ना वो, और फ्रॉग होता है मेंढक, फवारे में मेंढक। ठीक है, एक स्टोरी है, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्या है ये फवारे में मेंढक की स्टोरी। देयर आर मैनी इंसिडेंट, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, विच रिमेन्स फ्रेश इन आवर मेमोरी, जो कि हमारे दिमाग में, हमारी यादों में हमेशा ताजा बनी रहती हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। इन अ ह्यूमरस स्टोरी गिवन बिलो, एक ऐसी ही स्टोरी यहाँ नीचे दी गई है। द स्पीकर इज डिस्क्राइबिंग सच एन एक्सीडेंट, जो स्पीकर है वो भी एक इसी तरह के इंसिडेंट के बारे में यहाँ पे इस कहानी में बता रहा है। रीड इट एंड एंजॉय एंड हैपनिंग, इसे पढ़ो और खूब मजा लो और खुश हो जाओ। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है नीचे, उसे हम पढ़ाई अभी पढ़ेंगे। जो बहुत सारी यादें होती हैं, हम लोग जब कभी बातें करने बैठते हैं तो हम पुरानी बातों को याद कर करके, बता बता करके खूब हंसते हैं, हंसते हैं ना, तो ये भी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें मेमोरी को ताजा किया गया है, याद किया गया है कि क्या हुआ। देखिए, मैरी गोल्ड्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन आवर ब्यूटीफुल कंट्री, हमारे सुंदर से देश में। मैरी गोल्ड जानते हो ना, जो गेंदा होता है, गेंदे का जो फूल होता है, उसको लगभग सभी जगह उगाया जाता है हमारे देश के अंदर, घर घर में उगाए जाते हैं, उगाते हैं ना, घर के सामने हम गेंदे लगा देते हैं, गेंदे का जो फूल होता है येलो कलर का, ऑरेंज ऑरेंज कलर का। एंड दे आर कॉन्स्टेंटली इन डिमांड एट फेस्टिवल, मैरिजेज, रिलीजियस सेरेमनीज, अराइवल्स एंड डिपार्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑल काइंड। अब ये जो गेंदे के फूल होते हैं, इनकी बहुत डिमांड होती है, फेस्टिवल, कोई त्यौहार हो, कोई शादी हो, कोई रिलीजियस सेरेमनी हो, अराइवल, या कोई कहीं से आया हो, या कोई कहीं जा रहा हो, है ना, या फिर बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, उन सभी के अंदर जो मैरी गोल्ड है उसका बहुत यूज होता है। इफ यू हैपन टू बी अ गेस्ट ऑफ ऑनर ऑन अ पब्लिक ओकेजन, अगर आप किसी पब्लिक ओकेजन पर गेस्ट के रूप में आए हैं, तो आपको सम्मान देने के लिए गेंदे के फूल की माला पहनाई जाएगी, है ना। बी प्रिपेयर टू बी स्मूदर्ड इन गार्लैंड ऑफ मैरीगोल्ड, तो गार्लैंड होती है माला, मैरीगोल्ड के फूलों की क्या बनाई जाएगी, माला बनाई जाती है। आप देखते हो आपके स्कूल में अगर कोई प्रोग्राम होता है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो इनके दौरान जिन गेस्ट को बुलाया जाता है, तो उनका उनका वेलकम करने के लिए उनको मैरीगोल्ड के जो फ्लावर्स होते हैं उनकी क्या पहनाई जाती हैं, गार्लैंड्स, यानी कि मालाएं पहनाई जाती हैं। आई एम अ लिटिल वेरी ऑफ दीज वेलकमिंग गार्लैंड्स बिकॉज ऑन वन ओकेजन अ स्लीपिंग बी nestling between the petals flew out and stung me under my chin, it made me for a very short speech, I am a little wary, मुझे थोड़ा सा डर लगता था, of these welcoming garlands, कि ये जो स्वागत करने के लिए जो ये मालाएं बनाई जाती थी, क्यों उन्हें डर लगता था, बिकॉज ऑन वन ओकेजन, एक बार क्या हुआ कि किसी ओकेजन पर वो गए, ये जो राइटर है वो अपने बारे में बता रहा है, ठीक है, कि वो एक बार किसी ओकेजन पर गए होंगे, अ स्लीपिंग बी नेस्लिंग बिटवीन द पीटल, पीटल होते पत्तियां, जो गेंदे के फूल की जो पत्तियां हैं उनके बीच में क्या सो रही थी, एक बी सो रही थी, यानी मधुमक्खी, फ्लिव आउट, वो उड़ने लगी, एंड स्टंग मी अंडर माई चिन, और मेरी चिन यानी मेरी जो ये ठुड्डी है इसके नीचे आकर उसने मुझे काट लिया, इट मेड मी अ वेरी शॉर्ट स्पीच, और इसके काटने की वजह से मुझे अपना स्पीच भी बहुत ही छोटा करना पड़ा था, है ना, ऐसा होता है, जो फ्लावर्स होते हैं उन पर अक्सर मधुमक्खियाँ आ जाती हैं, और एक सोई हुई मधुमक्खी के साथ जब इन्हें माला पहनाई गई तो क्या हुआ, मधुमक्खी ने इनको स्टिंग कर दिया, डंक लगा दिया, ठीक है। When I told young Gautam, जब मैंने गौतम को ये बात बताई about this incident, इस घटना के बारे में, he asked, उसने पूछा, is that how you got your double chin,
क्या इज दैट हाउ यू गॉट योर डबल चिन, कि अब वो जैसे मधुमक्खी जब कट कर लेती है, डंक लगा देती है, तो क्या हो जाता है वहाँ पे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो कहता है कि ओहो बताओ अब आपकी तो डबल चिन हो जाएगी। एक्चुअली द डबल चिन केम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। अब वो कुछ लोगों को देखा है आप लोगों ने कि एक तो उनकी चिन के नीचे एक और चिन बनी रहती है मोटापे की वजह से, जिसको डबल चिन बोला जाता है कि भाई तुम्हारे तो पहले से ही डबल चिन है ना। तो ये जो राइटर है इनके तो पहले से ही डबल चिन थी, तो डबल चिन है तो तुम्हारे तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, एक मधुमक्खी ने काट लिया थोड़ी सी और स्वेलिंग आ जाएगी। एक्चुअली द डबल चिन केम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, मुझे जो मेरी दादी की तरह जब बोलते ना कि आप किस पे गए हो, तो ये भी अपनी दादी पे गए थे, तो इनकी दादी को भी डबल चिन थी। डबल चिन समझ में आया, जैसे थोड़े मोटे लोग होते हैं ना जिनके नीचे ऐसे चिन के नीचे थोड़ी सी ऐसे स्किन काफ़ी मोटी इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो डबल चिन हो जाती है। एक्चुअली हु वॉज अ लार्ज जेनरसली प्रोपोर्शनड लेडी विद अ नंबर ऑफ चिन, जो मेरी दादी थी वो भी चिन्स की धनी थी, ठुड्डियों की धनी थी। गौतम एंड हिज सिस्टर सृष्टि लाइक टू प्ले विथ माई डबल चिन। गौतम और जो सृष्टि मेरी बहन है, गौतम और उसकी बहन सृष्टि दोनों ही मेरी डबल चिन के साथ में खूब खेलते थे, यानी कि ऐसे मजाक उड़ाते है ना हाथ लगा लगा के। बट आई वुड नेवर हैव डेयर टू टच माई ओल्ड ग्रैनी ऑन हर चिन और एनी वेयर एल्स। लेकिन मेरी तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई टू टच माई ओल्ड ग्रैनी ऑन हर चिन, मेरी जो नानी है उनको कभी उनकी या उनकी जो दादी जो थी उनको कभी चिन से छूने की। शी वॉज अ स्टर्न रिजर्वड वुमन हु बिलीव्ड दैट लिटिल बॉयज शुड स्पीक ओनली व्हेन स्पोकन टू, क्योंकि वो बहुत ही रिजर्वड लेडी थी। होते ना जो लोग बहुत कम बातें करते हैं, सटीक बातें करते हैं, है ना, तो जिनसे थोड़ा सा हमें डर लगता है कि ये डांट देंगे। तो मेरी दादी क्या बिलीव करती थी, दैट लिटिल बॉय की जो छोटे लड़के होते हैं शुड स्पीक, उन्हें तभी बोलना चाहिए व्हेन स्पोकन टू, जब बोलने की ज़रूरत हो, बेवजह में उन्हें नहीं बोलना चाहिए। तो उनके साथ कभी मजाक करने की मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि मेरे साथ तो सब जो बच्चे लोग थे, गौतम था उसकी बहन सृष्टि थी, वो मेरे साथ मजाक करते थे, लेकिन मैं कभी भी अपनी ग्रैनी जो है उसको उसके चिन को छू नहीं, मैंने कभी उसको टच नहीं करके देखा। शी फैड फैड अस रीजनेबली वेल, शी कैप्ट अ ग्रेट खनसामा, बट शी डिड नॉट बिलीव इन सेकेंड हेल्पिंग विद द रिजल्ट दैट आई हैव स्पेंट द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन डल्जिंग इन सेकेंड हेल्पिंग। शी फैड अस रीजनेबली वेल, वो एक खनसाना रखती थी, खनसामा, शी कैप्ट अ ग्रेट खनसामा, वो ग्रेट खनसामा रखती थी, बट शी डिड नॉट बिलीव, लेकिन वो विश्वास नहीं करती थी इन सेकेंड हेल्प, कि कोई दूसरा उनकी मदद करे, मतलब सारे काम खुद करती थी अपने, विद द रिजल्ट, और परिणाम ये था कि दैट आई हैव स्पेंट द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, वो तो अपना काम किसी से भी नहीं करवाती थी, लेकिन मेरी जो जिंदगी थी पूरी वो किसमें बीती, इंडल्जिंग सेकंड हेल्पिंग, दूसरे की हेल्प करने में, सेकंड हेल्पिंग के रूप में मेरी जो पूरी जिंदगी थी वो बीती थी, मेरी लाइफ का ये रिजल्ट निकला। इससे कल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आज इतना ही। तो इसको अच्छी तरह से रीड कीजिए, समझिए। सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।